bring it alive forever, generation after generation, through my music. ये नजारे हैं मुंबई के, जहां पर वन एक्ट प्ले माय नेम इज जान का हुआ विमोचन। पर इस प्ले में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा अर्पिता बनी है गौहर जान। गौहर जान भारत के ग्रामोफोन की पहली आवाज थी। इस मौके पर खास मेहमान बनकर आए 60s के दशक के मशहूर अभिनेता बिस्वजीत, जो अर्पिता के ससुर जी हैं। इसके साथ ही थिएटर की जगत से मकरंद देश पांडे थे और सबने अर्पिता उनकी टीम को दिया अपना आशीर्वाद। सारे जो गलती हुई है, गलती तो होती है क्योंकि ये जो फॉर्म है थिएटर जिसको हम बोलते हैं, इसमें तो कट नहीं होता है। जब लाइव परफॉर्मेंस होते हैं तो जो भी हो जाता है हो जाता है, लेकिन वो मुझे ही पता चलता कि कहाँ पे और कुछ करना था जो मैंने मिस किया ये शो पे, तो वो सभी याद आता है कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगा और बेटर करनी है नेक्स्ट शो में। ये हाँ, ये एक अनोखी एक फीलिंग्स है स्टेज में परफॉर्म करना, क्योंकि वो लाइव होता है, वो डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लाइव में देयर इज़ नो पॉइंट टू स्टॉप एंड मेक द चेंजेस और करेक्शन, बट ऑडियंस के साथ जो एक रिश्ता बन जाते हैं जब स्टेज पे आप परफॉर्म करते हो और उनका जो रिएक्शन मिलता है वो बहुत ऑनेस्ट रिएक्शन मिलता है। अच्छा होगा तो तालियां बजेंगे, नहीं होगा तो चले जाएंगे उन पे। तो ऐसा नहीं कि क्रिटिकल कुछ पढ़ के जैसे फिल्मों में होता है या दोस्तों से कुछ सुन के फिर कोई माइंड सेट बना के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो लाइव परफॉर्मेंस का यही बहुत परफॉर्मर के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ही ये एक यूनिक रियलाइजेशन है कि ऑडियंस के साथ एक वो एक घंटा दो घंटा जो भी जितने टाइम पे आप मंच पे एक रिश्ता बन जाते हैं। ये यू एक्चुअली रेड माई माइंड, मतलब गौहर जान की जो स्टोरी है वो एज अ स्टोरी, हाँ एज अ स्टोरी इतना पावरफुल स्टोरी है, ये तो बनना चाहिए। और क्योंकि द लार्जर ऑडियंस दे शुड नो अबाउट दिस लेडी एंड हर स्टोरी। Let's see, keeping my fingers crossed. We have planned, we are going a lot of cities, not only Bombay, we have shows in Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Kolkata, all the cities, Bombay we have done, we have shows in Pune. So we have shows in India and abroad also. For example, next month we are going to Germany and April we have show in Canada. So koshish to hai ki jitne logo ke paas ye प्रोडक्शन मैं लेके जाऊं और लोग देखें, सो यही प्लान है। ये नाटक जेटा मैं देखलाम प्राय दो घंटा धरे, आमार मने एखाने बांगाली बेशी आछेन, कारण ई नाटकटा बांगलातेओ हयेछे, हिंदीतेओ हयेछे, इंग्लिश गानो आछे, तो जेहेतु एटा বেসিক্যালি কলকাতার গল্প এবং কলকাতার থেকে শুরু হয়েছে বেঙ্গল থেকে, তা আমি বাংলায় বলতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই তো, নাকি হিন্দিতে বলবো, যা বলবেন। এই তো নাটক হওয়া, ইসকা যো জান হ্যাঁ উস জান কো মে বহুত বহুত আশীর্বাদ দে রহা হুঁ সবসে পহলে। ये मैंने सोचा नहीं था, सुना था मैंने, ये जो है ये एक जैसा होता है ना वन मैन आर्मी, हमने सुना एक आर्मी, एक ही आर्मी में एक ही इंसान जीत जाता है जंग, तो वो मैं सबको बधाई दे रहा हूँ हमारे इस नाटक का जो डायरेक्टर, और डायरेक्टर होता है सब कुछ, तो एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, साथ में जो हमारे नाटक कभी होता नहीं जो बैक, क्योंकि मैं नाटक से आया हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ नाटक में बंगाल स्टेज से, तो मुझे मालूम है स्टेज में
जो पीछे जो काम करने वाले होते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो मैं सबको, आप लोगों को सबसे पहले बधाई दे रहा हूँ। आप लोग जो बजाने वाले हैं म्यूजिशियंस, उन लोग आप लोगों ने बहुत अच्छा बजाया, सारंगी, तबला, जब जो भी है बहुत बढ़िया। और तो विश्व विजय करने के लिए जा रहे हैं, विश्वजीत नहीं जा रहे लेकिन अर्पिता चाचा जी जा रही हैं झंडा लेके, और हमारे भारत का नाम रोशन करके आएगी वापस। ये हम ऊपर वाला से यही प्रार्थना करें। इन्होंने जो काम किया, इनकी पहली जो फिल्म थी बंगाली फिल्म, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, एक लड़की आई अनुपमा बोल के फिल्म, उसमें पैर छुआ के इसने, उसके बाद ये हमारे चटर्जी परिवार के हो गए। कुछ दिनों के बाद तो इनको मैं शादी से पहले जानता हूँ, और टैलेंट जो है इनमें, आज जो देखा ये टैलेंट हमने नहीं देखा। इस टैलेंट को ये जो आगे लेके जा रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टैलेंट अपने घर में हैं, ये जब हमने आंखों से देखा सामने तो हमें यकीन नहीं हो गया यही अर्पिता है। गौर जान, हमें उनके बारे में इतना मालूम नहीं था, आज मुझे पता चला। मुझे इतना बात पता है क्योंकि मैं HMB रिकॉर्ड किया था, HMB करके रिकॉर्डिंग धमधम में, मेरी लाइफ का बंगाली गाना सबसे पहले मैं वहाँ जाके किया था। और ये जो ग्रामाफोन कंपनी का रिकॉर्ड्स ऑन HMB, पुराने दिनों में जितनी भी फिल्में आप देखेंगे उसमें रिकॉर्ड्स ऑन HMB है, उस HMB का, हिंदुस्तान का सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग, ये हमें पता था लेकिन आज मैंने देखा। गौरजन के जिंदगी के बारे में हमें पता चला, कोई नहीं, छगन भी नहीं मिला उनको, हिमाई भी नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला जिंदगी में, अम्मी भी नहीं मिली उनको, मिला तानपुरा। उसे तानपुरा, तानपुरा जो है फैबुलस, एंड जो वो जहाँ सीन खत्म होता है, हमने कई जगह शादियाँ बजाई, अपने मन से हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे ये नाटक देखते देखते, जो कला है वो अलग है। इनके अंदर कितने रंग हैं, कितने गुण हैं, कितनी प्रतिभा है, कितना टैलेंट है। अर्पिता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी कलाकार को इन फॉर्म देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यू शुड ऑल्सो परफॉर्म। और मैं एक सोलो करने जा रहा हूँ पृथ्वी फेस्टिवल में पियक्कड़, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको देखकर उनका स्वर, उनका भाव, अभिनय में एक लुटाने की एक जो उनकी क्षमता थी, कि ऐसा मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही एक मग्न तरीके से, भाव मग्न होकर वो परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम इंस्पायर्ड। मेहनत तो बहुत है। एक बात बता दूं, जब मेहनत दिखाई नहीं देती ना तब वो और भी कमाल होता है। प्रॉपर रियाज करना और गले को तैयार करना, क्योंकि आप सब सुने हो देखे हो प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक है ना, बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर डायलॉग बोलना, गाना गाना, डायलॉग बोलना, गाना गाना, और वो भी अलग अलग भाषाओं में, बंगाली भी बोलना है, हिंदी भी बोलना है, अंग्रेजी भी बोलना है, सारी भाषाओं में जाना है, उसका मतलब यही है कि मुझे और बेटर करना पड़ेगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। देखभाल करती है, सब कुछ करती है, अपना जो होता है हाउसवाइफ, घर की बहू जैसी, लेकिन इसके अंदर जो टैलेंट है हमें पता तो चल गया था जब ये नई नई आई थी बंगाली फिल्म, मेरे साथ ही अनुपम, इसके बाद स्लोली बंगाली फिल्म में इन्होंने काम करना शुरू किया, ग्रेजुअली अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करने लगी, लेकिन
स्टेज पर कैसे शिफ्ट हुई। हमने कला मंदिर में एक प्रोग्राम किया था, एक नाटक, हिंदी नाटक किया था, वो मेरी वाइफ डायरेक्टर थी, मेरी बेटी थी शंभवी, बाकी सब थे थिएटर के, बॉम्बे से आर्टिस्ट गए थे सब। उन लोगों ने एक उल्टा सीधा बोल के कॉमेडी ड्रामा किया, तो वहाँ ही आई थी देखने के लिए। उसमें मेरी बेटी का परफॉर्मेंस देख के बोली, हम लोग भी कैसे स्टेज पर किया, कैसे डायलॉग बोल दिया इतनी, अब इसको स्टेज पर इतना मतलब दिलचस्पी नहीं थी। बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पर शिफ्ट हो गई। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि ये गौहर जान बोल के नाटक कर रही है, म्यूजिकल ड्रामा, एंड अकेली। तो मुझे कुछ क्लिप इन्होंने भेज दिया, तो मैं देख के हैरान हुआ। कलकत्ता में किया था और बंगाली में किया था, नहीं बंगाली में। तो मैं वो देखने के लिए बहुत बेचैन था। अचानक ये मुंबई में किया, हम जो रहते हैं मुंबई, अचानक ये इन्विटेशन आया और हमें पता चला यहाँ दो दो शो हो रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कब आएंगे आप, 25 को या 27 को? मैंने बोला 27 को आऊँगा, मैं संडे है। तो आज मैं आया और हमें इतना पता नहीं चला कि इस टाइप का ड्रामा हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने देखा नहीं। आप सीन अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखा, उत्पल दत्त का लिटिल थिएटर देखा, शंभु मित्र का बहुरूपी देखा, इवन पापा जी के साथ पिछली थिएटर में शशि कपूर हमारा दोस्त था। तो थिएटर्स में डॉक्टर लागू, डॉक्टर श्रीराम लागू का ड्रामा, अमोल पालेकर का ड्रामा, यू नो, तो थिएटर देखने का मेरा शौक है। इवन शिवाजी गणेशन का तेनकुड़ू जो ड्रामा, वो शिवाजी जी मुझे खुद लेकर गए थे, बिकॉज उनको मालूम था कि मैं, मुझे ड्रामा पसंद है, थिएटर देखना पसंद है। तो तेनकुड़ू वियतनाम हो, दो तमिल स्टेज पर मैंने शिवाजी जी का देखा, शिवाजी गणेशन मुझे साथ लेकर गए। तो मुझे थिएटर देखने का शौक है। और इतने सालों के बाद मैं विष्णुराज भाभे हॉल में, जब बिमल मित्र राइटर का जो 100 ईयर्स हुआ, मैंने खुद उनको ट्रिब्यूट दिया था ड्रामा करके। उसमें हमारे साथ सुधा चंद्र ने किया एक तवाइफ का रोल, और रजा मुराद ने भी एक रोल किया था, तो विष्णुराज भाभे। तो भाई ये थी अर्पिता, जिन्होंने वन एक्ट प्ले से ना सिर्फ इस प्ले में एक्टिंग की बल्कि डांस भी किया, गाना भी गाया और बिना रुके इस प्ले में जान डाली। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।